तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। से ऐसी शरारत करेंगे तुम्हारी सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। पिताजी का सीना तो कर से फूल गया होगा। काश कि ऐसा हुआ होता, पर मेरे माँ और बाबा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। I lost my parents in a car accident. In Istanbul has ended peacefully, and that's all from the BBC World Newsroom for now. Oh God. I'm so sorry. I'm घटिया आदमी है तू, बहुत ही घटिया आदमी है। दोस्त को कनाडा से बंबई बुलाता है और ये नहीं उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ जाए। मैं शाम की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। देख यार, I'm really sorry. वो टीवी पे मेरा इंटरव्यू आने वाला था, उसी की वेट करते करते सो गया और इंटरव्यू नहीं देख सका। और प्लीज माफ कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा एक बार गले तो लग जा, गले भी नहीं मिलेगा। प्लीज बोल, प्लीज। पापे की हाल चाल तेरा, ये तू गीला कैसे हो गया भाई? ओ यार, होली खत्म हुए 3 दिन हो गए लेकिन तेरे पड़ोसी के बच्चे अभी तक होली मना रहे। ओ गुब्बारा फेंक दिया मुझ पर। ये वो सामने वालों के बच्चे होंगे, बहुत चलाती है। आई एम सॉरी ऑन देयर बिहाफ। तू एक काम कर, व्हाई डोंट यू गो एंड चेंज? ओ चेंज मैं आप पे कर लांगा, पहले ना तू मेरे लिए एक ड्रिंक बना। ड्रिंक? टाइम देखा तूने? और ड्रिंक का टाइम नहीं है तो कॉफी बना दे। कॉफी तो मैं बना ही रहा हूँ सर, वैसे भी आज आप जो कहेंगे मुझे करना पड़ेगा। तू एक काम क्यों नहीं करता, Why don't you make yourself comfortable? Comfortable? अबे एक कमरे के मकान में कोई कैसे comfortable हो सकता है? बिस्तर वहीं पे है, कंप्यूटर वहीं पे है, सोफा टीवी वहीं पे है, और किचन भी वहीं पे। तू एक काम कर, बाथरूम भी यहीं बनवा ले। इसे स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं by the way। तू इसे बंगलो अपार्टमेंट कह ले, रहेगा एक ही कमरे का मकान। अरे हाँ, बंगले से याद आया, तूने तो अपने लिए बंगला बनवाया था, वहां जाके क्यों नहीं रहता तू? माँ और बाबा के लिए बनवाया था, उनके बाद वहां जाने का मन ही नहीं करता। हाँ दिवाली पे चला जाता हूँ 4 दिए जलाने के लिए।
इस साल के एफडी अवार्ड्स ने प्रूफ कर दिया है कि शेखर इज द बेस्ट. आज की शाम शेखर के नाम. थैंक यू. Thank you. Good. Hi. Thank you. Good evening. How are you? Hi. How are you? How are you? Thank you. Thank you. Mr. Shekhar? Yes. Hi. I'm Amar. Amar Shah. Hi. Have we met before? Well, I've heard a lot about you. Congratulations for the award. Thank you. Thank you. वैसे मैं कनाडा में वही काम करता हूँ जो आप यहाँ पे करते हो. Really? एक शाह इंडस्ट्रीज के नाम से एक छोटी सी कंपनी है मेरी. Of course. Who hasn't heard about Shah Industries? Oh, you're from Calgary? Ladies I'm from Calgary gentlemen, too. Are you? We yes, now my name present is to you Stereo Nation. नशे दिए बंद बोतले तकदीर है मेरी तेरे नाल जिंदगी दी कोई भी कमी ना प्यार दा जाम पिला दे दिल ना दिल मिला दे उस नारी रानी तू मेरी महबूबा मेरी अखियां दी प्यास बुझा दे मेरी अखियां दी प्यास बुझा दे थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे ओ साजना अरे आज ही चले जाओगे? हाँ. अच्छा लगा तुमसे मिलकर. मुझे भी. अच्छा सुनो, शादी का जोड़ा जानते हो ना क्या होता है? हाँ. क्या ऐसे ही कहते हैं? हाँ. पिया ने मंगाया था. अगले हफ्ते शादी है मेरी. Really? हाँ. All the best. Thank you. Yo, just keep dancing all night. Baby, take my hand, it's alright. Yeah, girl, that body's out of sight. Let me show you how we're gonna vibe tonight. You make me wanna get down. Spread the word, I got the fever now. It's like this with a cold sweat. I never met nobody like you yet. So what's up with the Spanish eyes? Damn, you got me so hypnotized. One look at those beautiful lips. I'm like him, I'ma move those hips. कसम खुदा दी बिल्लो जान तो प्यारी लगे तेरियां यदावां नूं करदा सलाम नी इश्क वाला एदा रोग भी वाला होए छरियां दा दिल नी बड़ा कमजोर मेरी अखियां दी प्यास बुझा दे मेरी अखियां दी प्यास बुझा दे थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे थोड़ा दारू बिच प्यार मिला दे थोड़ा दारू बिच प्यार मिला दे नशे दिए बंद बोतले नशे नहीं नहीं मजाक नहीं. $100 की शर्त लगाते हैं. मैं तुम्हें कनाडा बुलवा के रहूंगा. मैं यहीं पर बहुत खुश हूँ. तो ठीक है, अब ये नोट तुमसे मैं तब वापस लूंगा जब तुम कनाडा आओगे, वरना मैं शर्त हार गया. ओ भाई साहब, यार आप मेरी शादी मिस करवा के छोड़ोगे? कितनी देर लगेगी और यार मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी. यार कुछ तो ख्याल करो प्लीज. कुछ कह नहीं सकता साहब. अच्छा होगा आप दूसरी टैक्सी ले लें. अच्छा ये बताइए, यहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर. टैक्सी से जाएंगे तो 2-4 मिनट, नहीं तो पैदल भी जा सकते हैं.
पिया। हाँ बाबा रास्ते में हूँ यार, ये टैक्सी खराब हो गई है। आई एम ऑन माई वे। यू हैव वॉट, ये जो मेरा टैक्सी वाला दोस्त है ना, वो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मैं पैदल चले जाऊंगा, पैदल। अमर, 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 अमर सुन यार, अमर, अमर उठ, अमर, 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 नथिंग गुड हैपेंड टू अमर, यू विल बी, क्या पागल हो गए, तो इसे अस्पताल लेके चलते हैं। पढ़ इसकी नफ़ पढ़, मर गया ये, पर अस्पताल से पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, चल, चल, चल। इतनी रोमांटिक कविता लिखी है, अब सुनो, हंसना नहीं है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शामें तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जा निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। क्या क्या न सोचा है मैंने, क्या क्या न सपने सजाए, क्या क्या न चाहा है दिल ने, क्या क्या न अरमा जगाए। इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते न मरते हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। कैसी लगी मेरी कविता अमर? जय हिंद सर। सर हमने कई घरों में पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी से कुछ मालूम नहीं हो रहा है। सब कहते हैं कि किसी ने कुछ देखा तक नहीं है सर, लेकिन हमने लड़के की सारी डिटेल्स ले ली हैं,
उसका नाम अमर शाह था सर, और सर वो उसके पास कनाडा का पासपोर्ट है सर। सर वो आज सुबह की फ्लाइट से कनाडा से मुंबई आया था, और सुबह सर 4 बजे की फ़्लाइट से वो कनाडा वापस जा रहा था। सर वो होटल से मैंने पता किया था फ़ोन करके। सर वो एयरपोर्ट के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में शायद उसकी टैक्सी ख़राब हो गई थी, तो उसने सोचा कि मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। सर 40 मिनट तक इसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी रही, फिर फ़ोन आया सर। सर वैसे हमने इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे सर। सर कनाडा से 28 घंटे लग जाते हैं आने में। चल यार निकलते हैं। ओके बाय। आई एम सॉरी। अरे व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं सर? जानते हो वो एक्सीडेंट के बाद कितनी देर तक उसकी बॉडी सड़क पर पड़ी रही? नहीं ना, पूरे 40 मिनट। और अगर तब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ सका तो अब कोई जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। एंड नाउ गेट गोइंग। All of you get going. Hey, चलो क्या है, सब लोग यहाँ पे मीडिया लगा रखे हैं। तमाशा नहीं हो रहा यहाँ पे, कोई जान गई है जान किसी की। जाओ अपने अपने घरों में जाके सो जाओ। Go and sleep in your cozy bloody homes. मिस्टर शाह, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कहीं से भी एक ना एक दिन उस आदमी को जरूर आप। आया था एक दिन के लिए, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, सोचा मिलकर ही जाऊंगा। शादी का जोड़ा जानते हो ना क्या होता है, पिया ने मंगाया था। अगले हफ्ते शादी है मेरी। देखो डिमेलो, ये जेड कैटेगरी का मिनिस्टर है, फोर्स डाइवर्ट करो। इंतजाम एकदम ठीक होना चाहिए। सर मुझे एक परमिशन चाहिए थी। What permission? पूरे शहर में चेक पोस्ट लगाकर मैं गाड़ी ढूंढना चाहता हूँ सर। कौन सी गाड़ी डिमेलो? मिलन सर्वे के पास एक एक्सीडेंट हुआ था सर। ओह कम ऑन डिमेलो, उस एक्सीडेंट को हुए 3 महीने हो गए हैं। Forget that case. कैसे भूल जाऊँ सर? Shut that goddamn case डिमेलो, just shut it. उससे तुम्हारे रिकॉर्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। चलो। पर मेरी नींद पर असर पड़ता है सर। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई ना कोई गाड़ी जरूर चला रहा था, और अगर कोई गाड़ी चला रहा था तो मेरी फाइल पर पेंडिंग तब तक लिखा रहेगा जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता सर। कोई लोड नहीं है, मेरी गल मान, गड़िया थी ला। एक 35 हो गया, लेट हो गए यार। मुझे क्या पता था रात को 1 बजे ट्रैफिक जाम मिलेगा। अच्छा जल्दी कर, डिक्की खोल। हाँ बस यहाँ दे, मैं बस 2 मिनट में गाड़ी पार्क करके आया। 2 मिनट जब तक तू आएगा फ्लाइट निकल जाएगी। मत जा प्लीज। अच्छा चल जा, अपना ख्याल रखियो ठीक है? हाँ मैं रखूंगा, और जो हुआ ना उसे भूल जाना। अच्छा मैं तुझे कनाडा पहुंचते ही फोन करूंगा। चल ओके ओके बाय बाय शेखर। क्या क्या ना सोचा है मैंने, क्या क्या ना सपने सजाए, क्या क्या ना चाहा है दिल ने, क्या क्या ना अरमा जगाए। इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते ना मरते हैं। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है।
तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। $100 की शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हें कनाडा बुलवा के रहूंगा, मैं तुम्हें कनाडा बुलवा के रहूंगा। $100 की शर्त लगाते हैं, अब ये नोट तुमसे मैं तब वापस लूंगा जब तुम कनाडा आओगे। मैं तुम्हें कनाडा बुलवा के रहूंगा। फ्लाइट लंबी थी ना? हाँ। सोए आराम से? मैं सोच रहा था तू भूल गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की पर। अरे तो फिर यहां क्या करने आया तू? क्या सोच कर आया तू? मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। कमाल करता है तू, तुझे लगता है वो तुझे माफ कर देंगे? पर मेरी कोई गलती नहीं थी यार। ये सिर्फ हम जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता कि तेरी गलती नहीं थी। हाँ शायद अमर जानता हो कि तेरी गलती नहीं थी। तुझे माफ नहीं करेंगे वो लोग। हाँ तो जो कहेंगे वो करूंगा मैं, चाहे वो पुलिस ने दे दे या फिर खुद सजा दे। पागल हो गया तू, बावड़ा हो गया। 5 साल से बोल रहा हूँ कनाडा आ जा, कनाडा आ जा, तब तो नहीं आया। अब मुंह उठा कर चले आए और कह रहे हैं जो सजा देंगे भुगत लूंगा। अबे जानता भी है उसके घर में कौन कौन रहता है? उसकी एक बहन है, उसका एक बाप है, उसकी एक दादी है, उसकी एक मंगेतर भी है। अब किस किस की सजा भुगतेगा तू, और क्यों भुगतेगा जबकि तेरी कोई गलती है ही नहीं? देख मेरी बात समझ, आसान नहीं होगा। वैसे भी बॉस को आसान तो कुछ चल नहीं रहा ना, ना उनके लिए और ना मेरे लिए। तो फिर ठीक है, जो मन में आता है वही करो। चल गाड़ी में बैठ, मेरी बात तो माननी नहीं है ना। It never took me so long to find a place. How much? I'd say $18. Okay. My God, you've given me 2 tenors? I'd find for $2, please. Yeah. Here's the change, sir. Never mind. You keep the change. Oh, thank you so much. It's okay. You keep it. Okay. Okay. Thank you. जी अमर शाह जी, वो उनका तो जी मैं जानता हूँ। आप? मैं यहाँ पर काम करती हूँ। अभी कोई है घर पर? जी दादी है, वो पूजा कर रही है। आइए आप अंदर आइए। आप यहाँ बैठिए, दादी पूजा खत्म करके आती हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम शेखर मल्होत्रा है, मैं बंबई से आया हूं। बाबूजी मेरी मुलाकात अमर से बंबई में हुई थी, हम लोग एक पार्टी के दौरान मिले थे। बाबूजी
हमने काफी समय साथ बिताया उस रात, फिर अमर निकला एयरपोर्ट के लिए और मैं भी घर की तरफ। बाबूजी, अमर का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। बाबूजी, मैं और बॉस्को हम लोग पार्टी से निकले मेरी गाड़ी में, और सुनसान सड़क थी और गाड़ी की रफ्तार भी काफी तेज थी, और मैंने राइट टर्न लिया और सामने एक बड़ा सा बंगला और उसका गेट, पता नहीं कहाँ से बाबूजी एक छोटी सी बच्ची अपने कुत्ते के पीछे शायद उसे बुलाती हुई उसके पीछे निकली और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। बाबूजी, मैंने उसे उसे बचाने के लिए जैसे ही राइट टर्न लिया तो गाड़ी बहुत जोर से किसी चीज से टकराई और ब्रेक लगाए, और मैं और बॉस को उतरे और हम लोग गाड़ी के सामने आए तो देखा कि अमर, बाबूजी अमर खून में सना हुआ पड़ा था। बाबूजी, अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूं तो आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। आप किससे बात कर रहे हैं? बाबूजी बोलते नहीं है, जब से अमर भैया को जलाकर आए ऐसे ही कुर्सी पर बैठे हैं, ना कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं। आप बैठिए, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। कौन है? हाँ, कौन था बेटा गिरधारी? I can't go in, sir. I don't think the bank can help. Miss Pia, हमने सारी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन कर लिया है और ये सारी प्रॉपर्टी लोन के अमाउंट का आधा भी नहीं है। अगर अब भी हमारी रेगुलर इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पहुंची, अगली 20 तारीख को सभी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। बाकी है मगर सांस रुकी है।
फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। देख अमर को हम वापस नहीं ला सकते नहीं, लेकिन हाँ आज की तारीख में उनकी सबसे बड़ी परेशानी है उनका डूबता हुआ बिजनेस, और उसमें तू उनकी मदद कर सकता है। हाँ पर बॉस्को वो लोग मुझे ऐसा करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पिया कि हमें 6 महीने का टाइम और मिल जाए। और अगर नहीं मिला तो? फिर तो वो नीलामी ही करेंगे। और कुछ नहीं हो सकता? जो बेस्ट हो सकता है वो ये है कि शाह इंडस्ट्रीज फिर से पहले की तरह काम करने लगे, ताकि मार्केट और बैंक को भरोसा हो जाए हमारे ऊपर, और ये सब 1 महीने के अंदर। मैं एक चमत्कार की बात कर रहा हूँ। चमत्कार कहानियों में होते हैं जैन साहब, रियल लाइफ में नहीं। एक्सक्यूज मी। यस जी वो मैं। ठीक है पिया मैं निकलता हूँ, शाम को फोन करूंगा। ठीक है बाय। मे आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट? मेरा नाम शेखर मल्होत्रा है, मेरी मुलाकात अमर से बॉम्बे में हुई थी जी। उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि मैं यहाँ पर आकर शाह इंडस्ट्रीज के साथ काम करूं। मिस्टर शेखर, अमर की करीब 8 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में। जी मैं जानता हूँ। आई एम रियली सॉरी, देखिए लेकिन हमारे पास अभी कोई जगह नहीं है। मैम एक मिनट, आप मेरे क्रेडेंशियल्स तो चेक कर सकती है ना प्लीज? देखिए मिस्टर शेखर, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड? मैम जस्ट गिव मी वन मोमेंट मैम, इट वोंट टेक टू लॉन्ग। देखिए मैम, मैम बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम JNU, फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद अ स्पेशलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड, TIFC एक्सचेंज प्रोग्राम में मुझे हॉलैंड भेजा गया। ओसाका स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इंटरनेशनल रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, दैट टू ऑन अ गवर्नमेंट फेलोशिप। हाँ मेरी पहली जॉब में मुझे 6 महीने में 3 प्रमोशन मिले, पिछले 5 सालों में मुझे अपनी कंपनी का VP वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। मैम बॉम्बे में तो लोग कुछ ऐसा भी कहते हैं कि मुझसे बेहतर ये काम किसी को आता ही नहीं। देखिए मैम, आई एम डेस्परेट टू वर्क विद शाह इंडस्ट्रीज, रियली मैम जस्ट गिव मी वन चांस प्लीज। आपको शाह इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है? यस मैम। आप जानते क्या है शाह इंडस्ट्रीज के बारे में? आइए, शाह इंडस्ट्रीज के साथ काम करने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए शाह इंडस्ट्रीज के बारे में। आप जानते हैं अमर की मौत के ठीक 3 दिन बाद शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स मार्केट में कुछ ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्तों का महल? ये मिस्टर मार्केस, मिस्टर लेंडल, मिस सलोनी और ये मिस एना। एना के ऑफिस ज्वाइन करने के ठीक 3 महीने के अंदर उसकी मां की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ऑफिस ने स्पॉन्सर की। एना को अचानक ये महसूस होने लगा कि ऑफिस उसके घर से बहुत दूर है। ये मिस्टर भाटिया, मिस्टर भाटिया इस कंपनी में पिछले 14 सालों से काम कर रहे थे। पिछले 5 साल से वो यहां बैठते थे। शॉर्ट लीव पे गए थे, आज तक नहीं आए। उनका रेजिग्नेशन आ गया बाय पोस्ट। सबकी एक ही कहानी है। मिस्टर शेखर, आज स्टॉक एंड फाइनेंस मार्केट में शाह इंडस्ट्रीज एक डूबता हुआ जहाज है। आप मेहरबानी करके इस जहाज पे सवार होने की कोशिश मत करिए। जो डूब रहे हैं उन्हें डूब जाने दीजिए। इस जहाज पे आपके लिए कोई जगह नहीं। मैम, अमर का प्रॉमिस, उसे तोड़ देंगे आप? अरे आप कौन से और किस प्रॉमिसेस की बात कर रहे हैं मिस्टर शेखर? अमर की मौत के साथ उसके सारे दिए हुए प्रॉमिसेस टूट गए। वो प्रॉमिस जो उसने आपसे किए थे और वो जो उसने मुझसे किए थे, मैम देखिए मैं आपके काम आ सकता हूं।
फिलहाल तो मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए, शायद ये डूबता हुआ जहाज फिर से उभर सके। आप प्लीज एक बार सोचिएगा। कुछ दिनों के लिए रख ही लेती उस लड़के को, शायद काम ही आ जाता, आखिर अमर ने चुना था उसे, कुछ तो खास होगा उसमें जरूर। I'm sure होगा दादी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, आज जैन साहब से भी बात हुई थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए बेटी, उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है, और फिर तेरे सामने तो तेरा सारा जीवन पड़ा है। अमर के जाने का दुख तो सभी को है, लेकिन तुझे ये सब भूल के आगे बढ़ना है। मैं अमर को कभी नहीं भूल सकती अम्मा। अरे सुन मेरी बात बिटिया, तू ही शायद समझा सकती है उसे, हैं? अमर तो गया, अब वो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? इसका ब्याह करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। पहले वो बहू थी, अब बेटी है हमारी। चिंता मत करो दादी, सब ठीक हो जाएगा। पिया इज अ वंडरफुल गर्ल। आई नो। भगवान ने कहीं ना कहीं उसके लिए एक राजकुमार जरूर चुन के रखा होगा। जिस दिन वो मिल जाएगा, वो अमर भैया को भूल जाएगी। पर दादी, अगर पिया मेरी भाभी बनती तो कितना अच्छा होता ना। अम्मा, मैं चलती हूँ। अच्छा। पप्पू इंतजार कर रही होंगी, मैंने उनसे वादा किया था। हाँ, हाँ, जाओ जाओ बेटी। अरे कमाल का लड़का है, बिना तनख्वाह के ही काम करने के लिए तैयार है। अरे तुम्हें तो उसे फौरन रख लेना चाहिए था, पता नहीं कौन कब कहाँ काम आ जाए। इट्स टू लेट नाउ, वैसे भी उसे इतना भला बुरा कह दिया है कि अब बॉम्बे जाके ही सांस लेगा। हेलो पिया जी। गुड मॉर्निंग। जी वो एक्चुअली जी क्या हुआ, मैं वो साफ करते करते बल्ब जल नहीं रहा था तो मैं वो ठीक करने लगा, तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो गया मैडम, वो सायरन बजने लगा, वो समझ जी वो बल्ब भी ठीक नहीं हुआ और करंट भी लग गया, तो सॉरी जी मैं उठा लूं। फैक्स है। अच्छा ये नहीं, वो बहुत छोटी है ना इसलिए सॉरी। पिया जी ये लेटर,
जी। ये फेंक क्यों दिया आपने? ये मेरे किसी काम का नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं है। उन्होंने कोटेशन मांगी हमसे, कम से कम 2 करोड़ का ऑर्डर है। हम ये ऑर्डर नहीं ले सकते। कोशिश तो कर सकते हैं ना मैम। मे आई यूज योर कंप्यूटर? थैंक यू। देखिए मिस्टर शेखर, कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना बड़ा ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकें। पिया जी, अभी तो ऑर्डर भी नहीं है, एक बार ऑर्डर आ गया ना तो पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। पिया जी, हाँ? ये आज की एक्सचेंज रेट की लिस्ट होगी ना आपके पास? हाँ, थैंक यू। जी, एक 42.37। थैंक यू, थैंक यू मैम। आप ये कोटेशन नहीं भेजेंगे, एंड इफ यू हैव नॉट रियलाइज्ड, आप मेरा कंप्यूटर मेरे परमिशन के बगैर यूज कर रहे हैं। जी, ओहो, आई एम वेरी सॉरी, आई एम ऑलमोस्ट डन हियर। देखिए मिस्टर शेखर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है कि वह ऑर्डर हैंडल कर सके, एंड बाय सेंडिंग दिस कोटेशन आई रियली डोंट वांट टू साउंड स्टूपिड। नो, नॉट एट ऑल मैम, ट्रस्ट मी ऑन दैट वन, वी वोंट साउंड स्टूपिड। मैंने आपको कल बताया था ना, मुझे मेरी पहली जॉब में 6 महीनों में 3 प्रमोशन मिले। पिछले 5 सालों में मुझे अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्यों? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट, ट्रस्ट मी मैम। आप समझते क्या है अपने आपको? जी। आप जानते हैं मैंने आपको इस ऑफिस में आने की परमिशन क्यों दी है? क्योंकि अमर ने आपसे प्रॉमिस किया था, और आप मेरे ऑफिस में आके मुझे बताएंगे मुझे किस लेटर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किसे नहीं। आप मेरी परमिशन के बिना मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मेरा पूरा ऑफिस इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। यू गेट आउट ऑफ हियर प्लीज। I'm really sorry, ma'am. Please. I'm really sorry, ma'am. Get out. हेलो मैम, दिस इज सुजैन फ्रॉम आईडीबीटी इनकॉर्पोरेटेड। आपकी कोटेशन हमें मिल गई है, जीएम साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, कल 10 बजे का टाइम सूट करता है आपको? जी। ओके मैम, 10 AM टुमारो, हैव अ गुड डे। मैडम, ये प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटर खराब था। क्या, व्हाट इज हैपनिंग हियर? मैडम ये, हेलो, हाँ पिया बोल रही हूँ। हाँ बोल पिया। अरे पुपू, एक स्टूपिड सी प्रॉब्लम हो गई है। वो लड़का था ना शेखर, क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम बात तो सुनो पूरी। तूने उसे डांट के फिर भगा दिया? हाँ, और अब आईटीबीटी वालों का फोन आया था, कल सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट दे दी है। मुझे पता भी नहीं क्या कोटेशन भेजी थी, कैसे भेजी थी, कहाँ ढूंढूं अब उस घटिया इंसान को। हेलो पिया जी, वो क्या है ना कि मेरी बचपन से आदत है, जब भी मुझे डांट पड़ती है ना तो बहुत भूख लगती है। Do you mind if I? No, please go ahead. Thank you जी। आप लेंगी? नहीं, thank you. प्रिया जी, अपने फोन तो ठीक है ना सारे? क्यों? वो एक फोन आना है। किसका? वो IDBT वाले, वो कोटेशन भेजी थी ना, उनका फोन आएगा। कल सुबह 10 बजे बुलाया है। अरे, आ भी गया फोन? Very good. अब तो मानती ना आप मुझे काम आता है। सुबह 9 बजे पहुंच जाइएगा, 45 मिनट का रास्ता है। मतलब ये कि मेरी नौकरी पक्की? मैम, सो काइंड ऑफ यू। मैं जाके ना एक बढ़िया सा प्रपोजल तैयार करता हूँ, और अब आप देखिएगा हम दोनों मिलके कैसे इसी डूबते हुए जहाज को इसी दुनिया के चारों तरफ गोल गोल घुमाएंगे। तुमने, अब ये डूबता हुआ जहाज दुनिया के गोल गोल चक्कर काटेगा। तुम बिन क्या है जीना, जिया जाए कैसे।
I want to see the chairman. Oh, he's in a meeting at the moment. If you'd like to have a seat and I'll give him a call. No, I can't wait. Excuse me. Security, there's a woman in the hall without our permission. Please stop her. Sorry, ma'am. Believe you can't this barge woman. In like You're going to have to wait she a minute, ma'am. No, like I can't we wait. Can't have this sort of thing going on what here. What does she think she's doing? I don't know. Who is she? This is outrageous. This is who can we call? Where is security? Mannerless woman. Oh, get lost! जी मैं आपसे बात कर रही हूँ. जी हाँ, जाहिर है आप मुझी से मुखातिब हैं. क्या है? मुखातिब यानी कि मुझी से बात कर रही हैं आप. फेस टू फेस. देखिए, आपका और हमारा पिछले 12 साल का रिश्ता है और 12 साल के रिश्ते के बाद मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखती थी. सर, आपका 12 साल का रिश्ता है इनसे? आप अगर एक मिनट खामोश रहे तो मैं ठीक से समझूं. क्या कह रही थी आप? हमारा आपका पिछले 12 साल से क्या है? रिश्ता जी. क्यों, आपको कोई शक है क्या? नहीं, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. जब आप कह रही हैं तो रिश्ता तो होगा ही. लेकिन मैं माजरा चाहता हूँ, मुझे कतई इस बात का इल्म नहीं था. क्या नहीं था? इल्म नहीं था यानी कि जानकारी नहीं थी. नॉलेज नॉलेज नहीं था. देखिए, मेरी बुटीक आपकी कंपनी से पिछले 12 साल से कपड़ा खरीद रही है और आप कहते हैं कि आपको वो नहीं है. वो क्या कह रहे थे आप? इल्म. मैं भी सोच रहा था कि किस रिश्ते की बात कर रही हैं. खैर, आप तशरीफ रखें. रख दी सर. मैडम, तशरीफ रखें. एक लाई थी, रख दिया. मेरे कहने का मतलब है आराम से पहले बैठ जाएं, फिर बात करते हैं. ओ सिट डाउन कह रहे, पुट डाउन नहीं. जी, अब बताएं. देखिए, हमारा बुटीक आपकी कंपनी से पिछले 12 साल से कपड़ा खरीद रहा है. पहले तो कभी ऐसी परेशानी नहीं आई. वो आपके पुराने मैनेजर थे असलम मियां, कभी चेक पहुंचा, कभी टाइम से नहीं पहुंचा. उन्होंने तो कभी चूं तक नहीं की. मुनासिब भी नहीं था. क्या मुनासिब नहीं था? चूं करना. और एक आपके ये नए मैनेजर हैं, इनकी ये हिम्मत. मेरा एक चेक लेट हो गया तो इन्होंने सप्लाई बंद कर दी. एक मिनट मोहतरमा. तो इबलीस आपके दिमाग शरीफ में तशरीफ फरमा होकर इन खातून के साथ हमारे ताल्लुकात ने बुरे तासुरात पैदा कर रहा है. लूट लेंगी. प्लीज आप कोडवर्ड में बात मत कीजिए. मैडम, हमारे यहाँ हैदराबाद में इसे उर्दू जबान कहा जाता है. लेकिन आप बैठिए. खाकसार को इफ्तिखार कहते हैं. अब ये खाकसार कौन है? खाकसार यानी कि मैं, मतलब मेरा नाम इफ्तिखार है लेकिन प्यार से लोग मुझे इफ्ती कहते हैं. जी, मेरा नाम आयशा है. हाँ, लोग प्यार से आपको आया कहते होंगे. कमबख्त आयशा, आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ राब्ता रखेंगे. राब्ता? राब्ता यानी कि कॉन्टेक्ट. आप सिर्फ मेरे साथ कॉन्टेक्ट रखेंगी, इन कमबख्त मियां के साथ. वैसे भी इनके साथ कांटेक्ट रखने का मेरा कोई इल्म नहीं है. हाँ जी, जज्बात नहीं है. दिलचस्पी नहीं है. तो ठीक है, दिलचस्पी नहीं है. जी, तो मैं चलती हूँ. कैसे कहो? जाना तो पड़ेगा ना. फिर आइए. जरूर. बाय बाय. बाय बाय. कपड़ा जरूर भेज दीजिएगा. मैं खुद लेकर हाजिर हो जाऊंगा. ओके, बाय बाय. बाय. दरअसल आज मिली का बर्थडे है और मैं अकेले गिफ्ट खरीदने जाती हूँ तो एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ.
माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ थी। अरे तकलीफ नहीं, अच्छा आपने बता दिया, वरना बेचारी मिली उसे लगता मैंने उसे विश तक नहीं किया। हाँ, how about this? Oh, how cute. इसकी तो शक्ल भी मिली से मिलती है। ले लिया जाए फौरन। गिफ्ट सिलेक्ट करने का बेस्ट तरीका यह है कि डिसीजन फौरन ले लिया जाए। I'd like to buy this, please. पिया, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? क्यों? फूफू ने बनवाई है। नहीं नहीं, इट्स अ वंडरफुल ड्रेस, लुक्स वेरी नाइस ऑन यू। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हैट इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगेगी? ओह हाँ, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप बुरा ना माने तो ये हैट मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। I'm sorry, मैं हैट्स नहीं पहनती। प्लीज़ एक बार ट्राई करिए ना। I'm sorry, शेखर। प्लीज़ एक बार ट्राई करिए, अच्छी नहीं लगी ना तो मैं पहन लूँगा। प्लीज़। मैंने कहा था ना आपसे, और इस हैट में आज पहली बार आपका चेहरा इतना खुश दिख रहा है। ऐसे ही खुश रहा कीजिए, अच्छी लगती हैं आप। To play with your left hand, you need to incorporate the chords. Oh, I'm sorry. Well, we'll play it together. Okay. Yes. Very nice. Very nice. Good. Very, very nice. Oh, that's lovely. Very nice. अरे भाई, ये मिली तो बहुत अच्छा पियानो बजाती है। Very good. अगर ऐसे ही सीखती रही तो एक दिन मेरी तरह बजाने लगेगी। आप पियानो बजाते हैं? बजाते हैं मतलब, मैं तो बहुत अच्छा पियानो बजाता हूँ। Ah, you play piano? But of course. मैं तो आपको भी सिखा सकता हूँ अम्मा। Sorry. I mean, what do you want me to play? Play anything, anything at all. Okay. Birthday, Millie. Thank you. Congratulations and happy birthday, Millie. Thank you. Why don't you take the rest of the day off and I'll see you tomorrow. Okay. Thank Bye. You. Bye. मुझे लगा आप लोग भूल गए। इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का बर्थडे कोई भूल सकता है? और आप क्या लाए हो मेरे लिए? मैं क्या दूंगा तुझे? मैंने तो सिर्फ छीना है तुझसे। फिलहाल तो ये चॉकलेट, बाकी जो चाहे मांग लो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तो आज नहीं लेकिन कभी और मांगूंगी, पर देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, एनी टाइम एनीथिंग फॉर यू, बट दिस कॉल्स फॉर अ बिग पार्टी। हां बोलो कहां चलना है? टीटोस। ओके, अपने सारे दोस्तों को बता दो कि आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाएं। ओके। कोई और लग रहा हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना इसलिए। अच्छा अच्छा। वो मैं दरअसल इधर से गुजर रहा था तो अचानक महसूस किया कि बहुत जोर से भूख सी लगी हुई है। ओह, मेरे पास तो यहाँ कुछ खाने को ही नहीं है। हाँ, लंच का एक सैंडविच पड़ा है, अभी लाई। आयशा, आप डिनर करती हैं? जी करती हूँ। मैं भी करता हूँ, कितनी अच्छी बात है। आप कह रहे हैं तो अच्छी बात होगी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों ही डिनर करते हैं तो
अगर इकट्ठे कर लिया जाए तो कैसे रहेगा? हैं जी? Happy birthday to you. Happy birthday to you, my dear. फूफू, मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओहो, आपका गिफ्ट यहाँ है. Happy birthday, darling. Thank you. इफ्ती साहब, ये मेरी भतीजी है मिली, शेखर और पिया. हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे बेटा. Happy birthday. दिल ने सपने क्या क्या सजाए, इन सपनों का क्या करूं? ना तो मुझे पता है ये, ना दिल को है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी ले जाएगी किधर. ना तो मुझे पता है ये, ना दिल को है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी ले जाएगी किधर. दर्दे दिल दबाना है मुश्किल, अब अपनी मोहब्बत को छुपाना है मुश्किल. मैं दीवाना तो नहीं, फिर भी मुझको है यकीन, दीवाना वो करेगी मुझे. इस दिल में सपने क्या क्या सजाए, इन सपनों का क्या करूं? तमन्ना में मचलता है ये दिल, देखूं ना मैं जब उसको तो चलता है ये दिल. मेरे दिल की ये लगी वो समझती ही नहीं, हर पल मैं सोचता ही रहूं. इस दिल ने सपने क्या क्या सजाए, इस दिल ने सपने क्या क्या सजाए, इन सपनों का क्या करूं? ना तो मुझे पता है ये, ना दिल को है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी ले जाएगी किधर. ना तो मुझे पता है ये, ना दिल को है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी ले जाएगी किधर. Sign here. Here. Thank you. Thank you. Chalo. अब कैसा है? क्या हुआ पुपु? अम्मा breathlessness हो रही है, शायद ठीक से सांस नहीं ले पा रहे. आप फिक्र मत करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा. हाँ, अब तो सिर्फ ठीक ही हो सकता है बेटा. पता नहीं किसी का बुरा तो नहीं किया हमने. Can I speak to you for a minute? अभी ठीक है, वो सो रहे हैं. मेरे ख्याल में there's absolutely nothing wrong with him. कुछ नहीं हुआ है. कोई परेशानी है तो इनके दिमाग की परेशानी है, वो जीना ही नहीं चाहते हैं. अरे कुछ नहीं हो बाबूजी को, वो एकदम ठीक है. आप लोग बेवजह परेशान हो रहे थे.
अपने डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। चलो अच्छा, बस आज रात की बात है। ऐसा करिए आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, मैं सुबह लेकर घर आ जाऊंगा। मैं रुकूंगी बाबा के साथ। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? अम्मा मैं परेशान नहीं होंगी, आप लोग जाइए। अम्मा तो ठीक है, मैं भी रुकता हूँ। नो थैंक यू शेखर, जब सहारे की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। ये मिली कहाँ रह गई? एक मिनट, फूफू अब लेके चली ना अम्मा को, मैं मिली को लेके आता हूँ। ओके। मिली? बहुत जिद्दी होती चली जा रही है। जिद्दी नहीं, समझदार हो गई है हमारी पिया। क्या हुआ मिली? पापा हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना? चले जाएंगे। पता है मिली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे माँ बाबूजी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। पर एक दिन दोनों चले गए, फिर उस रात भगवान जी मेरे सपने में आए, मुझे बहुत प्यार किया, सॉरी भी बोला। पता है मिली, भगवान जी के पास अच्छे लोगों की बहुत कमी है। उन्हें जब भी किसी अच्छे आदमी की जरूरत होती है ना, तो इसी दुनिया से बुलाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक बच्चे को माँ बाबा की जरूरत थी, तो उन्होंने मेरे अम्मा बाबूजी को वहां भेज दिया। भगवान जी ने अमर भैया को कहाँ भेजा? पता नहीं मिली। आप भगवान जी से एक बात कहोगे? क्या? उनसे कहना कि मेरे बाबा को कहीं नहीं भेजे, मिली को उनकी ज्यादा जरूरत है, प्लीज। नहीं भेजेंगे बेटा, कोई नहीं भेजेंगे। सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। यही होता है हर मुलाकात पे महसूस, यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, बाबा आप तो सब देख रहे हैं ना, मैं धोखा नहीं करना चाहता, आपको सब सच सच बताया था मैंने। बाबा फिर से वही सच, दोबारा बोल पाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। बाबा एक अरसे के बाद मुझे परिवार का सुख मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहता।
मैं आपको घर तक छोड़ दूं? नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे दे नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। क्या हुआ? बर्फ अच्छी लग रही थी है ना? वो तो तुम्हें हमेशा अच्छी लगती थी पिया, तो फिर आज क्या हुआ? इन आंखों से आंसू निकल आए? पिया मेरे जाने से ये वक्त नहीं रुका, हवा नहीं रुकी, ये सांसें नहीं रुकी, ये बर्फ नहीं रुकी, तो फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे रुक गई? देखो पिया, जो वक्त हम साथ बिताते वो ना तुम्हारे बस में था ना मेरे, वो सिर्फ एक कल्पना है, और कल्पना के लिए कैसा रोना। याद वो रखो जो वक्त हमने साथ बिताया, और जब तुम वो वक्त याद करोगी तो सिर्फ मुस्कुराओगी। मैं वापस नहीं आ सकता पिया, और जिंदगी बाहें पसारे खड़ी है तुम्हारे सामने। मैं जानता हूं भुला नहीं सकोगी मुझे, लेकिन याद कुछ यूं रखना कि तुम्हारे जीने के काम आ सको। वो अच्छा लगता है ना? मुझे भी। This is a fax from AD Corporation. Thank you. Brilliant. मुझे पता था ये खड़ूस हमें अपॉइंटमेंट देगा ही। मैंने लेटर ही कुछ ऐसा लिखा था। सच में खड़ूस है। सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है और यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है। 5 बजे निकलना पड़ेगा। पिया जी मैं अभी निकल लेता हूँ, पर एक बार ये खड़ूस पड़ गया ना तो इतने ऑर्डर्स के संभलेंगे नहीं हमसे। आप बेवजह हिम्मत हार रही थी कि वो हमसे मिलेगा भी नहीं। आप चाहें तो मुझसे शर्त लगा लीजिए कि वो ऑर्डर्स भी हमें ही देगा। सच? लाल जी जे इश्क न होवे ना ते इंज नहीं करदा कोई। 24 घंटे गवाची गां वर्गा फिरदा रहंदा है। कुड़ी दा नाल ले लिया वखरी गल करन लगदा है। ओ पापे मैं तेनु सच्ची गल दसा, काम हो गया तेरा, इश्क हो गया तेनु। देख यार तू ये दारू पी के पंजाबी मत बोला कर। इट्स ओए देख ओए, मैं दारू पी के पंजाबी बोलूं या पंजाबी बोलते हुए दारू पीऊं?
तू मेरे और दारू के बीच में नहीं आएगा, समझा? ठीक। और अब सुन हिंदी, तू मानेगा नहीं पर प्यार हो गया तुझे पिया से। बकवास मत कर। अबे किसे छुपा रहा है? मुझसे? अपने आप से तो नहीं छुपा सकता ना। कभी किसी दूसरे की किस्मत से भी खुद को मदद मिल जाती है। हाँ? क्या मतलब पुपू? शेखर, तू तो उसे काम पे ही नहीं रखना चाहती थी, पर देख उसकी किस्मत से। किस्मत नहीं पुपू, हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन। शेखर इतना मेहनती और लगन का इतना पक्का है कि शायद किस्मत की जरूरत ही नहीं उसे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो नियत का बहुत अच्छा है। वो हमेशा चाहता है कि उसके आसपास की सारी दुनिया खुश रहे। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं फूफू। अमर के बाद वही ऑफिस ऐसा लगने लगा था कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उसी ऑफिस को एक नए सिरे से सजाऊं, एक नई डायरेक्शन में लेके जाऊं। तू अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा कब सोचना शुरू करेगी? कैसे फूफू? यही कि उसको सजाकर एक नई दिशा में ले जा सके। शेखर कैसा लगता है तुझे? अच्छा लड़का है, सोचना। ऐसा लगता है कितने बरस हो गए तुझे खुश देखकर। You look tired. नहीं तो वो बॉस को देर रात तक झगड़ा करता रहा तो क्यों? नहीं कुछ नहीं। जब से तुम आए नजर में खोया खोया रहता है दिल। धड़कनों से आज ये क्या चुप के कहता है दिल। प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल खोने लगा। प्यार हमको है अपनी क्या तुम्हें बताएंगे। ओ क्या हकीकत है अपनी क्या तुम्हें बताएंगे। कौन है हम आखिर ये कब तलक छुपाएंगे।
Please put the proposal on paper and send it to us. Thank you, sir. Okay. Thank you. Good morning, Mr. Abhigyan. Shekhar Malhotra, Shah Industries. मैंने ही आपको अपॉइंटमेंट गलत समझ रहे हैं मैं अभिज्ञान नहीं हूँ आई एम इज मैनेजर ताहिल प्लीज सिट डाउन आई जस्ट लेट हिम नो दैट यू हियर गुड मॉर्निंग मिस्टर ताहिल गुड मॉर्निंग सर मिस्टर ताहिल इस साल हमारी कंपनी का टर्नओवर रहा है $800 मिलियन यानी पिछले साल के मुकाबले 125% ग्रोथ कंग्रेचुलेशन सर Congratulations to you all. Thank you. $800 million. Chachu, 800 million में कितने जीरो हुए? क्यों? आपने कभी नोटिस किया? कि बैंक अकाउंट के फिगर में जितने शून्य बढ़ते जाते हैं जिंदगी का शून्य उतना बड़ा होता जाता है घर से काम काम से घर से काम से घर और फिर जरूरत होती है एक ठहराव की एक पड़ाव की जहां जिंदगी रहती हो मैंने कहा था ना आपसे इसी जद्दोजहद इसी भागदौड़ के बीच एक दिन अचानक जिंदगी खुद ब खुद टकरा जाएगी हमसे अब अगर जिंदगी साथ उड़ा ले जाए हमें तो दोष हमारा नहीं जिंदगी का है और काश की जिंदगी उड़ा ही ले जाए हमें हाय आई एम अभिज्ञान You can call me Abhi. Hi there. Hi. Sorry. Shekhar Malhotra. Abhi, please come in. Please take a seat. Thank you. Sir, I handle operations and Pia ji hamari managing director. I know. Waise mera naam bhi bura nahi hai. Ji. You can call me Abhi. I will, sir. I mean, Abhi. Abhi, humne aapke pichle 5 saalon ka buying pattern study kiya hai. This is your 95, 96, 97, 98, 99 and 2000. Zinc, 500 tons. Sulfur, 500 tons. Crude oil, 300 containers. There has been an annual growth of 10% every year, which is very good. एक मजे की बात जो हमने नोटिस की वो ये कि आपने ये सारा सामान खरीदने के 10 दिन के अंदर अंदर डिस्पैच कर दिया Now, please pardon my saying so, but आपने ये सारा सामान पीक सीजन में खरीदा जब इस सामान की कीमत सबसे ज्यादा होती है अब यही सामान अगर आपने ऑफ सीजन में खरीदा होता तो इसकी कीमत कम से कम 25% कम होती अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई और आपको ये प्राइस ऑफर करना करे हम आपको ये ऑफ सीजन प्राइस ऑफर करना चाहते हैं सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट आप हमारी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टडी करें और हमें अपने वेंडर्स की लिस्ट में शामिल करने के लिए कंसिडर करें Interesting work. Thank you for meeting with us. It was nice meeting you. Until we meet again. Thank you. मैंने आज तक ऐसा सप्लायर नहीं देखा जो इतना प्रिपेयर्ड हो. I mean, they know all our dealings for the past 5 years. अभी आज इस कंपनी की हालत शायद इतनी अच्छी ना हो हम एक छोटे ऑर्डर के साथ इनके साथ शुरुआत कर सकते हैं चाचा मुझे लगता है कि पिया ही वो लड़की है जिसकी मुझे आज तक तलाश थी मैं शाह इंडस्ट्रीज और पिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं इस कंपनी और इस परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूँ
चाचा कैलगरी भी काफी अच्छी जगह है ना? बेटा कैलगरी तो हमेशा ही अच्छी जगह थी। नहीं चाचू, आज कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि पिया यहाँ रहती है। अच्छा, पिया कैलगरी में रहती है? Come on son, give me a hug. You're in love. चाचू। Come on. चाचू मैं कैलगरी में अपना एक ऑफिस खोलना चाहता हूँ। जरूर खोलेंगे बेटा, पर इससे पहले कि तुम पिया के बारे में आगे कुछ सोचो, मैं जानना चाहूंगा कि ये शेखर कौन है। शेखर? जी सर, जी एक मिनट, आई मीन अभी आप तक हमारी कोटेशन तो पहुंच गई थी ना? जी एक मिनट पिया। अभी इस कॉल, अभी इस कॉल। हेलो, हाय। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे, मैं शेखर को बता दूंगी। ओके, कैलगरी में एक ऑफिस खोल रहा है, उसी की एक पार्टी है और हम दोनों को बुलाया है। ओह, अच्छा आप लोग आ गए। I was waiting for you. That's Randy. Randy, that's Pia. Talk about her. कुछ शहर कितने अच्छे लगते हैं ना? Nice, I know. She's my wife. Hi. तुम प्यार करते हो ना उससे? नहीं? नहीं तो? कुछ मैं भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा। कुछ रूप उसका महका, कुछ मैं भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा। उस पे मेरी नजर है, वो मुझसे बेखबर है। उस पे मेरी नजर है, वो मुझसे बेखबर है। मुझे प्यार उस पे आने लगा। कुछ रूप उसका महका, कुछ मैं भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा। तन्हाई रास नहीं, वो मेरे पास नहीं, उसका एहसास मेरे दिल में जागने लगा। पूछो ना हाल है क्या, झूमे दिल आज मेरा, कहीं मेरा होश खो न जाए। कुछ रूप उसका महका, कुछ मैं भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा। उसकी नजर कुछ तो काम वैसा कर गई, ना जाने कब मेरे दिल में वो उतर गई। अब तक अनजान था मैं, जाना है आज ये, दिल के अरमान उसे पाने को मचल गए। दिल ने उसे जान लिया, मैंने पहचान लिया, कोई उसे आज ये बताए। कुछ रूप उसका महका, कुछ मैं भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा। उस पे मेरी नजर है, वो मुझसे बेखबर है। उस पे मेरी नजर है, वो मुझसे बेखबर है। मुझे प्यार उस पे आने लगा।
कुछ रूप उसका महका, कुछ मैं भी महका बहका, मस्ती में दिल ये गाने लगा। मुझे बताएगा प्रॉब्लम क्या है? ओए तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। Do you guys have any problem? I don't think so. Not at all. Sorry. अभिज्ञान अच्छा इंसान है, तूने मुझे बताया। वो दौलतमंद है, तूने मुझे बताया। और सबसे बड़ी बात, वो पिया से प्यार भी करता है, ये भी तूने मुझे बताया। तो फिर मेरे भाई इस गुस्से का, इस मायूसी का कारण क्या है? बोल। हाँ, बताया था कि अभिज्ञान अच्छा इंसान है, बताया था कि वो दौलतमंद है, बताया था कि वो पिया को प्यार भी करता है। लेकिन एक बात जो तुझे नहीं बताई वो ये कि मैं भी प्यार करता हूं उससे। I love her. चाहता हूं मैं पिया को। और इस गुस्से, इस बदहवासी की वजह ये कि मैं कितना भी प्यार करूं उससे कभी कह नहीं सकूंगा कि मैं चाहता हूं तुम्हें। क्योंकि इस बार मैं आधा सच नहीं बोलूंगा, इस बार मैं पूरा सच बोलूंगा। इस बार मैं ये भी बोलूंगा कि अमर की मौत मेरी वजह से हुई थी। बॉस्को, मैं कभी नहीं कह सकूंगा कि मैं चाहता हूं तुम्हें। उसने कह दिया तो उस दिन कयामत होगी मेरे भाई। हां, मैं कह नहीं सकता और ना मुझसे कहा नहीं जाएगा। ये इमोशंस भी कितने स्टूपिड होते हैं ना। लॉजिक ही नहीं समझते। अब क्या हुआ? कितनी सीधी सी बात है, आज की तारीख में पिया के लिए अभी से बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम लोग पता नहीं क्यों बेवजह बहस किए जा रहे हैं। मिली, 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 मिली। आ रही हूँ ना। जल्दी। कितना शोर मचाते हो? चलो चलो। रेडी हैं आप? अरे रुको, डाउनटाउन जा रही हूँ अम्मा, डेढ़ दो घंटे में वापस आ जाऊंगी। अरे हेलो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्यों, क्या हुआ? अरे आज 2 बजे अभी के साथ मीटिंग में जाना है ना। हाँ, तो तुम्हें जाना था ना। शेखर, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हमें जाना है। देखो, मेरी कल रात अभी से बात हुई थी, मैंने पूछ लिया था कि अगर सिर्फ तुम जाओ तो चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, और अभी से पूछने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना। अच्छा, पूछा नहीं क्या? ओह शेखर, तुम्हें क्या हो गया है? अब जाओ, तैयार हो के आओ जल्दी प्लीज। देखो, मैं मिली को प्रॉमिस कर चुका हूँ, हम लोग साइकिलिंग पे जाएंगे। शेखर, कोई साइकिलिंग वाइकलिंग नहीं जाएगा, अब आप मेहरबानी करके तैयार होके आइए, अभी आने वाला होगा। देखो, हमें जाना ही पड़ेगा वरना मिली का दिल टूट जाएगा। शेखर, जल्दी करो। लो वो आ भी गया, अब मैं क्या करूं? हाय पिया। हाय शेखर। हाय। हेलो मिली। हेलो। तो आप लोग आज साइकिलिंग जा रहे हैं? जी बस यूं ही, लकी पीपल। चलें? चलिए। चले मिली, चलो मिली। क्या हुआ? आपने झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ कहा मैंने? आपने तो खुद साइकिलिंग का प्रोग्राम बनाया था और उनसे कहा कि मुझसे प्रॉमिस किया है।
अच्छा प्रॉमिस नहीं किया मैंने? झूठ नहीं, वुमेन से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पकड़ा जाता है। अच्छा तो वुमेन हो गई हैं आप। एक्चुअली मैं चाहता था वो दोनों ही जाएं, इसीलिए। चलो चले। सॉरी। आपको भी ऐसा लगता है कि अभी पिया को प्यार करता है? हाँ शायद। और पिया? पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी पिया को प्यार करते हो? अरे सॉरी गियर अटक गया। कम लेट्स गो। ये आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस तो डाउनटाउन में है ना? एक बात बताऊं, आज कोई मीटिंग नहीं है हमारी। मैं आपको अपना घर दिखाने ले जाना चाहता हूँ। बुरा लगा आपको? जी। बहुत ज्यादा तो मिला नहीं आपसे, पर समझा बहुत है। आज से ठीक 6 साल पहले मैं बिल्कुल ऐसा ही था। पूरी दुनिया जीत रहने का जुनून, काम 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 और सिर्फ काम। अब इतना सारा वक्त बीत गया मालूम ही नहीं चला। ये 6 साल मेरी जिंदगी की जैसे चुरा लिया किसी ने। मैं ठीक ही सब कुछ आपके साथ होता हुआ देख रहा हूँ। शाह इंडस्ट्रीज को वापस उसी ऊंचाई पर पहुंचाने का जुनून। जी मैं जानता हूं सब कुछ। पिया अजीब सिलसिला है, हम और जिंदगी उम्र भर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पर अंत में जीतती मौत है। हम और जिंदगी दोनों हार जाते हैं। 6 साल खोने के बाद मैंने सिर्फ यह समझा कि इस लड़ाई के बीच काश मैंने अपने लिए थोड़ा वक्त निकाला होता। खैर मैं ना निकाल पाया, पर चाहता हूं कि आप जरूर निकालें। कभी बस यूं ही बेवजह माफी चाहता हूं कि आपसे झूठ बोला, पर नियत मेरी सिर्फ इतनी थी कि आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल पाए। वापस चले। आप अपना घर दिखाना चाहते थे? पिया बहुत अच्छी लड़की है, भगवान करे उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाए। हमें बहुत चिंता होती है उसकी। ओहो दादी माँ, बड़ी चिंता होती है आपको, अपनी चिंता नहीं होती कभी? मैं बस ठीक ठाक हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत मिल जाएंगे। किसने कहा तुम बस ठीक ठाक हो? तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। आप दूसरे आदमी हो जो ऐसा कहते हो। पहला कौन था? अमर भैया। मुझे भैया बनाओगे अपना? कब का बना चुकी हूँ। ये मार पापा शिकागो में रहते हैं, मैं महीने में एक बार उनसे मिलने जरूर जाता हूँ, और हर बार वो एक नई लड़की की तस्वीर लेकर पूरी शाम खर्च करते हैं उस मुद्दे पर। और आप? मैं उन्हें समझाता हूँ कि उसे ढूंढा नहीं जा सकता, वो एक दिन अचानक खुद खुशबू के झोंके की तरह आएगी और बस जिंदगी का हर पल उससे महक जाएगा। सच है, लेकिन जैसे ही मिले देर मत करिएगा। आप इतने अच्छे इंसान हैं, वो आपको ना कह ही नहीं सकती। बस एक बंद मुट्ठी, उस मुट्ठी में एक अंगूठी, उस अंगूठी में कैद कर लीजिएगा उसे। बाय बाय बाय। पिया चलें? हाँ चलो। एक्चुअली तुम नहीं, तुम जाओ, मुझे 1-1.5 घंटे का काम और है। कल कर लेना, मैं हाथ बटा दूंगा। कितना हाथ बटाओगे तुम, खुद भी तो कुछ करने दो मुझे। मुश्किल से 1-1.5 घंटे का काम है, मैं चली जाऊंगी। आई बी फाइन। यू श्योर? या डोंट वरी। ओके गुड नाइट। गुड नाइट।
सर सर आप अच्छा नहीं कर रहे सर। किसके साथ? सर खुद अपने साथ सर। मियां मैंने पहले भी कई बार आपको समझाया कि अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेहतर हो। वही तो मैं कर रहा हूँ सर। सर मुझे बीजी ने लंदन से आपके पास आप ही की निगरानी के लिए भेजा है। देखिए बीजी का तो दिमाग खराब हो गया है और जहाँ तक आपका ताल्लुक है आप शक्ल से ही पैदाइशी बेवकूफ नजर आते हैं। सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सर। जी हाँ हमारा इरादा भी वही है। ये क्या कर रहे हैं? मैं बुरा मान गया हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरह बुरा बनाए रहे तब तक हम आयशा बीवी से मिलकर आते हैं। क्या हुआ आप तो बुरा मनाए हुए थे ना? हाँ लेकिन अब मैं बुरा मानना अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ ना सर। ये जो खातून है ना इनके बड़े चर्चे हैं। ये हमेशा अगर आपने आयशा के मुतालिक एक लफ्ज भी और कहा तो हम आपकी आंखें नोच लेंगे। वाह कमाल है आपकी सर। लफ्ज निकलेगा जुबान से आप नोच लेंगे आंखें। वाह जी हाँ ये हमारी मर्जी पर मुनसर करता है कि क्या निकाले और क्या नहीं निकाले। कमजर्फ इंसान कभी इश्क किया होता तो पता होता तुम्हें। सर ये जो आपके साथ कर रही है इसे आप इश्क कहते हैं? सर ये सरासर फरेब है, टोटल नॉनसेंस सर। वरना इश्क तो वो मुकद्दस जज्बा है जिसमें रूह का रूह से। किताबों से बाहर आकर देखिए मियां, एक बेहतरीन रूह और एक खूबसूरत चेहरा जी जिसकी आंखों में आंखें डालते ही जन्नत का नजारा नजर आ जाए। लेकिन मैं किस कमबख्त के साथ अपना कमबख्त यही रुकिए आप। लेकिन शी इज वेटिंग फॉर यू दिस वे सर। आयशा क्या बात है आप तो बेहद परेशान नजर आ रही हैं। मैं परेशान हूं भी और नॉर्मली मेरे चेहरे पे सही एक्सप्रेशन ही आता है। वही तो मैं पिया को लेके बहुत परेशान हूँ। अच्छा क्या हुआ पिया को? वो रात भर घर नहीं आई। सुबह 7 बजे आई और 8 बजे तैयार होके फिर चली गई। इस तरह काम करेगी तो बीमार नहीं हो जाएगी? हाँ लेकिन आपको क्या पता वो काम ही कर रही है। हाँ हो सकता है उसे भी इश्क हो गया हो। Hello there. How are you doing this evening? Jabal, Hakim Bak. How many bucks? 100 million. Hakim, kam jaldi diye. 100 million. Come with me. Come along. I'll show you a good time. ये मेरा हेलो बचाओ मेरी टाई। आप बेकार में इतना परेशान हो रही हैं। ये फोन लीजिए उससे बात कीजिए। कहाँ है वो? कैसी है वो? फोन आप भी कितने स्मार्ट हैं इफ्ती। क्या क्या सोच लेते हैं? मिस्टर सुमा को कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और आप क्वालिटी के अलावा इसमें अपना पर्सनल अटेंशन भी देंगे। ऑफ कोर्स मिस्टर सुमा को, हमारी कंपनी की यह पॉलिसी रही है कि हम अपने सारे कस्टमर्स को पर्सनल अटेंशन से सेटिस्फाई करें। सॉरी उसने मेरा फोन काट दिया। मेरा हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो। हाउ कैन शी डू दिस टू मी? हां कमबख्त मियां हसीन चेहरा सर और रू सर माइंड ब्लोइंग। पुपु क्या हुआ? पुपु अरे क्या हुआ कुछ बताओ तो सही। पुपु क्या कर रही हो? पुपु क्या हुआ? पता है क्या हुआ? देख देख क्या हुआ है? ये अंगूठी है पुपु, ये तो तुम रो क्यों रही हो? इफ्ती मुझसे शादी करना चाहते हैं। और तुम? और मैं भी। पुपु
छोटी रातें लंबी हो जाती है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती। जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठ बिठाए यूं ही नींद खो जाती है। बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। पिछले 3 महीनों से हमारी इंस्टॉलमेंट टाइम पर पहुंच रही है और बैंक भी हमसे बहुत खुश है। इसी रफ्तार से हम मैक्सिमम 10 साल में अपना लोन पे ऑफ कर देंगे। 10 साल
जी। अभी 10 साल और लगेंगे? जी। काश एक दिन भगवान थैली में पैसे लाके देता और कहता लो ले जाओ, चुका दो लोन और आजाद करा लो शाह इंडस्ट्रीज को। जेनिफर वाज आस्किंग फॉर अ लोन, शी वांट्स टू बिल्ड अ हाउस। कितना अच्छा लगता होगा ना छोटी छोटी जरूरतों के लिए ढेर सारी मेहनत करना। मेरे पास इतना कुछ है पर बांटने के लिए कोई नहीं। चचू मैं पिया से शादी करना चाहता हूँ। बेहतर ये होगा कि यही बात तुम पिया से करो। कह रही थी एक बंद मुट्ठी, मुट्ठी में अंगूठी, उस अंगूठी में कैद कर लीजिएगा उसे। पर अभी कहने की हिम्मत नहीं है चचू, वो मानेगी नहीं। वो पहले शाह इंडस्ट्रीज का सारा कर्ज उतारना चाहती है। और ऐसा होने तक कहीं देर ना हो जाए चचू। हो ही जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसकी कोई मदद करें। बहुत सिंपल सी बात है पिया, आज स्टॉक मार्केट में शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले एक साल से कंपनी की हालत अच्छी नहीं है और इसी वजह से कंपनी बैंक के कर्ज में डूब गई है। मेरा ऑफर यह है कि मैं शाह इंडस्ट्रीज के 40% शेयर्स खरीद लूं। इसे दो फायदे होंगे, एक तो ये कि मेरी और मेरी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से मार्केट में शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स की वैल्यू अचानक इंप्रूव हो जाएगी, दूसरा ये कि 40% शेयर्स के बदले आपको जो पैसे मिले उसे आप अपना कर्जा चुका सकती हैं। आप ऐसा क्यों करेंगे जबकि आज शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स कोई खरीदना ही नहीं चाहता? इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरा एक बिजनेस है। मुझे आप पर, शेखर पर और शाह इंडस्ट्रीज पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि आज अगर शाह इंडस्ट्रीज के पास किसी चीज की कमी है तो वो है पैसा, और एक बार वो पैसा आ गया तो शेयर्स के वैल्यू इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मैं फायदे में ही रहूंगा, और तब आप चाहे तो अपने शेयर्स वापस खरीद सकती हैं। I know it's not an easy decision. Think about it. मैंने इस प्रपोजल के बारे में बहुत सोचा है और ये मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर लगा। जी जी हाँ हाँ। पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। पिया, शाह इंडस्ट्रीज गिरधारी ने शुरू की थी, फिर अमर ने इसे बहुत अच्छे से चलाया, आज तुम और शेखर इसे चला रहे हो। हम अपनी राय देने से पहले शेखर की भी राय जानना चाहते हैं। मैं श्री अभिज्ञान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो शाह इंडस्ट्रीज पर इतना भरोसा करते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी राय जानना चाहते हैं। मुझे इस प्रपोजल के बारे में कल रात पता चल गया था, हालांकि हक कोई नहीं है मेरा, फिर भी देर रात तक सोचता रहा। सोचा कि शाह इंडस्ट्रीज आखिर है क्या। आज से तकरीबन 35 साल पहले श्री गिरधारी लाल शाह बंबई से कनाडा आए, आप लोग दोस्त बने और फिर जैसे एक परिवार, फिर इस परिवार ने मिलकर कुछ करने की ठानी तो जन्म हुआ शाह इंडस्ट्रीज का। जहां तक मेरी जानकारी है, आप सबका, इस परिवार का यह फैसला था कि अच्छी या बुरी, छोटी या बड़ी, शाह इंडस्ट्रीज इसी परिवार के बीच में रहेगी, कोई और इसका भागीदार नहीं बनेगा। यह सच है कि आज शाह इंडस्ट्रीज को पैसों की सख्त जरूरत है, और अगर मैं अपने दिमाग की बात सुनूं तो शायद मिस्टर अभिज्ञान की बात खत्म होने से पहले ही मान लूं, पर मुझे यह हक नहीं है क्योंकि शाह इंडस्ट्रीज मैंने नहीं बनाई, शाह इंडस्ट्रीज आप सबने बनाई है। और अगर मैं आपके दिल की बात सही सुन रहा हूं तो आपको अब भी शाह इंडस्ट्रीज पर पूरा भरोसा है।
आप अब भी ये मानते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट आप ये चाहते हैं कि शाह इंडस्ट्रीज इस मुश्किल के दौर से अपने पैरों पर खड़े होकर गुजरे। मैं आप लोगों को ये याद दिला देना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों की सिर्फ राय मांगी थी, और मैं बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर शाह इंडस्ट्रीज आप सभी शेयर होल्डर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अब मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अरे, ऐसा कैसे? How can she do it? और कल मैं ये पेपर साइन करूंगी। तुमने बुलाया था पिया? ऐसा क्यों किया शेखर? मैंने सिर्फ राय दी अपनी। चाहे वो राय मेरे अगेंस्ट जाती हो? पिया तुम देख नहीं सकी शायद, पर वहां मौजूद हर इंसान की राय तुम्हारे अगेंस्ट थी। शेखर मैं जो कर रही हूँ कंपनी के भले के लिए कर रही हूँ। पिया देखो, कंपनी के भले के लिए तुम पहले भी लड़ रही थी अकेली, तब तो मैं भी नहीं था, पर आज जो फैसला लिया है तुमने उसमें कंपनी के साथ जुड़े कई लोगों को तुम पीछे छोड़ गई हो, मुझे भी। शेखर मुझे शाह इंडस्ट्रीज वापस उसी ऊंचाई पे चाहिए जहां थी, किसी कीमत पर भी। तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो और चाहो तो साथ छोड़ के जा सकते हो। पिया मेरी एक बात याद रखना, मंजिल पर पहुंचने की खुशी तभी होती है जब हम सफर साथ हों। मैं तो एक कतरा भी नहीं, पर तुम्हारी मंजिल पर अगर बाबा दादी मिली ये सब ना हुए तो सब बेमानी होगा, बेमतलब। चलता हूं मैं। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। तू सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, दिमाग खराब हो गया तेरा? वक्त खराब हो गया मेरा। देख अभी शाह इंडस्ट्रीज को मेरी जरूरत नहीं है। और शाह फैमिली को? अभी पिया को बहुत चाहता है, वो एक बार दोनों शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और तेरे प्यार को क्या होगा? मेरा क्यों, पिया से प्यार नहीं करता तू? शायद यही मेरी सजा है, वो खुश रहे मैं भी खुश हूं, और प्यार किया तो कोई जरूरी तो नहीं कि मिल ही जाए वो आपको। गुड इवनिंग जिम, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर कमिंग, दैट्स पिया फ्रॉम शाह इंडस्ट्रीज। हेलो, हाय जेनिफर, यू गाइस डूइंग वेल? ओके, हेल्प योरसेल्फ, कम मीट दिस फ्रेंड ऑफ माइन।
Hey Chandler, how are you? So good to see you. Hello, how are you? That is Pia from Shah Industries. Hello. I told you. Hello, how are you doing? That's true. Leave a message for Bosco, please. Hello? Shekhar, main bol rahi hu, Pia. Phone uthao, Shekhar. Hello? Pia bol rahi hu, Shekhar. Please phone uthao. Bosco. Shekhar, Bosco. Dekho, Shekhar, main merger pe hu, akeli hu, koi nahi aaya. Tum bhi nahi aaye. Please phone uthao agar... Shekhar, tumne mera saath tab diya jab koi umeed hi nahi thi mujhe. Phir aaj... आज कैसे अकेला छोड़ सकते हो? I need you, Shekhar. Please, I need you here. हेलो, Shekhar. बाबा, आप तो समझते हो ना, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. मैं गुनहगार हूँ आप सबका. मैं सोचता था कि अगर आपके किसी भी काम आ सका तो वो मेरा प्रायश्चित होगा, पर नहीं, मेरी सजा शायद ये है कि मैं आपके किसी भी काम ना सकूं. मेरी सजा शायद ये है कि मैं आप लोगों का प्यार ना पा सकूं. बाबा, मैं चलता हूं. हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा. पता नहीं, वो कहीं बाहर गई है. तुम्हारे लिए ये दे गई है. मुझे लगा आपको रोक नहीं सकूंगी और आपको जाते हुए देख भी नहीं सकती थी. भाई के जाने से बहुत दुख होता है ना. अब किसी को भैया नहीं बनाऊंगी. मिली, excuse me, do you know where Pia is? I think she's there. Thank you. Yeah. I don't know. Excuse me, Pia? Pupu! Kya baat hai, Pupu? Tujhe kya lagta hai, tu kya kar rahi hai? Huh? Kiske liye kar rahi hai? Apne liye to nahi kar rahi na? Kabhi socha hai ki aaj tu yahan akeli kyun hai? Baba, amma, main, Mili, humme se koi bhi kyun nahi hai yahan? शेखर क्यों नहीं है यहाँ? शेखर के आने से पहले हम सब इस बात के लिए तैयार हो चुके थे कि एक ना एक दिन बैंक शाह इंडस्ट्रीज को नीलाम कर ही देगा. वो तो शेखर के आने के बाद ही सब कुछ ठीक होने लगा ना. आज वही शेखर सब कुछ छोड़कर वापस बंबई जा रहा है. तू एक बात से उसका बेटा छीन रही है, एक बहन से उसका भाई, और मेरे बच्चे, अपने आप से वो एक इंसान छीन रही है जिसे तू प्यार करती है. जा जा, जाके रोक ले उसे, वरना वरना इतनी अकेली हो जाएगी जितनी जिंदगी में कभी नहीं हुई. Please.
रुको शेखर। तुम्हें क्या लगता है शेखर, तुम जब चाहोगे मेरी जिंदगी में आओगे और जब चाहोगे चले जाओगे, मुझसे पूछोगे नहीं, मुझे बताओगे तक नहीं? देखो पिया, मेरी जरूरत नहीं है अभी। हाँ, किसे जरूरत नहीं है तुम्हारी शेखर? बाबा को, अम्मा को, मिली को या मुझे? नहीं पिया, शाह इंडस्ट्रीज को। शाह इंडस्ट्रीज? अब सिर्फ शाह इंडस्ट्रीज रह गया मेरे तुम्हारे बीच शेखर? शेखर, तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मुझे मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत है या नहीं? तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि अमर के बाद अगर मैं जीने की कोशिश कर सकी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से? शेखर, तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैं भी प्यार कर सकती हूँ तुमसे? हाँ शेखर, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। प्रिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, सच है ये। नहीं, एक औरत की आंखें कभी ये धोखा नहीं खा सकती। तुम झूठ बोल रहे हो शेखर। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो और चाहो तो साथ छोड़ के जा सकते हो। और प्यार किया तो कोई जरूरी तो नहीं कि मिल ही जाए वो आपको? पिया से प्यार नहीं करता तू? पिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब किसी को भैया नहीं बनाऊंगी। एक अरसे के बाद मुझे परिवार का सुख मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। लेकिन एक बात जो तुझे नहीं बताई वो ये कि मैं भी प्यार करता हूँ उससे। तुम झूठ बोल रहे हो। एक औरत की आंखें कभी ये धोखा नहीं खा सकती। हाँ शेखर, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। एक साल 7 महीने 18 दिन। हाय शेखर मल्होत्रा, आई एम डिमेलो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच मुंबई, एंड यू आर अंडर अरेस्ट। आप इस प्लेन से नहीं, 4 घंटे बाद मेरे साथ जाएंगे दूसरे प्लेन से। आइए मेरे साथ, फॉलो मी। और मैं सोच रहा था कि आज जब पी अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएगी तो मैं एक बंद मुट्ठी, मुट्ठी में अंगूठी, अंगूठी में कैद कर लूंगा उसे। पेपर साइन कर लें अभी।
Get me another one. Go here, sir. Enjoy yourself. Yeah. एक साल सात महीने और 18 दिन। एक बार तो मुझे लगा तुम मुझे मिलोगे ही नहीं। लेकिन अब देखो, 3 घंटे बाद मैं तुमको अपने साथ हिंदुस्तान लेके जाऊंगा। आपको जब भी देखा दुखी देखा, जिंदगी से लड़ते देखा। आज मैं इंतजार कर रहा था कि आपको मैं पहली बार खुश पाऊंगा जब बैंक आपको शाह इंडस्ट्रीज के पेपर्स वापस करेगा, पर आज भी आपको मायूसी पाया। ये कागज जिन्हें पाने के लिए आप सब कुछ भूल गई, आज आपके पास हैं, तो भगवान ने इनसे बड़ी चीज छीन ली आपसे। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं पिया, मैं आपको इतनी खुशी देना चाहता हूं कि दुख की जगह ही ना आपके जीवन में। मैं जानता हूं वक्त सही नहीं है, पर सही या गलत, अब इस वक्त का कोई भी लम्हा आपको उदास करे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं अभी, और वो लड़की खुश नसीब होगी जिसे आपका प्यार मिलेगा। लेकिन अभी मैं अपने हिस्से का प्यार कर चुकी हूं। अब मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरा परिवार करेगा, मेरे बाबा और मेरी अम्मा। मैं उनसे अभी इस वक्त मिलना चाहता हूं। सच बताऊं, इतने समय तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे ये नॉर्मल हिट एंड रन केस लगता नहीं। टेल मी मोर अबाउट पूरी कहानी। ओह हाँ, ड्रिंक? आई डोंट हैव इट, समटाइम इट हेल्प। इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं, इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में तभी हो जैसे। बुबू शेखर, पिया। हेलो पिया, मैं मिनट बाद
मैं यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। पिया, मैंने तुमसे एक एक बात छुपाई है पिया, और जाने से पहले मैं तुम्हें सब सच सच बता देना चाहता हूं। पिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं पिया। हाँ पिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कभी कभी कह नहीं सका। जानना चाहोगी क्यों? पिया, एक कविता सुनोगी। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। सदियों सी लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शामें तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं। पिया, अमर ने ये कविता कभी सुनी ही नहीं। पिया, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी गाड़ी से अमर का एक्सीडेंट हुआ। पिया सुन, शेखर, मूव आउट शेखर, पीछे गाड़ी। You're getting in a stroma case. It's an emergency. Yeah? Please, now, carefully. Please. गुनाह हो गया बाबा, मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जिसके हाथों अमर की जान गई। बाबा, मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो हम सब से झूठ बोल के हमारा एक हिस्सा बन गया। बाबा, मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब शेखर से प्यार हो गया, लेकिन ये सब मुझसे अनजाने में हुआ बाबा। मगर आज, आज जब मैं सब जानती हूं, तो क्यों मेरा मन कहता है कि मैं जाके रोक लूं उसे जाने से। बाबा, आज जब मेरे परिवार ने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया है, तो क्यों लगता है कि तोड़ दूं ये बंधन। बाबा, मैं अच्छी बेटी नहीं हूं आपकी, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूं। बाबा, मुझे आज भी ऐसा क्यों लगता है कि शेखर वापस आ जाए, जबकि मैं जानती हूं कि हमारे अमर को उसी ने मारा है। Thank you.
बेटे, अमर को शेखर ने मारा नहीं है, मारा नहीं है, अमर रोड एक्सीडेंट में चला गया, सब कुछ छोड़कर। शेखर जब पहली बार हमारे घर पर आया था, उस दिन उसने मुझे सब कुछ बताया। मैंने वो एक्सीडेंट नहीं देखा है बेटा, शेखर की आंखों में जो सच्चाई देखी और ईमानदारी, वो थी विश्वास करने लायक। सब कुछ जानने के बाद जब मैंने स्वीकार किया है शेखर को, तो बेटा तुम कैसे गुनहगार हो सकती हो? शेखर ने हमसे जो छीना है उसे कई गुना ज्यादा खुद अपने आप से छीना है। हम सबको संभालने के लिए हमारा अगर गया नहीं है, वो वापस आया है, वापस आया है। पिया, बॉस्को का फोन आया है, शेखर का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। Nurse, is everything all right? Is I can't say anything right now. The doctor is on his way. He'll be here shortly. Okay. Bhaiya. Bhaiya, please jana mat. Bhaiya, aapko yaad hai? Aapne mujhe mera birthday present promise kiya tha. वो प्रेजेंट मुझे चाहिए भैया, आप लौटाओ। भैया आप कहते थे ना कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ, तो इस लड़की को अपना भैया वापस चाहिए। प्लीज लौटाओ, प्लीज। Can't say anything right now. Please wait here. Doctor! Doctor, please save him. He'll be okay, Pia. Meri abhi doctor se baat hui hai. शेखर को बीच बीच में होश आ रहा है और वो बार बार पिया का नाम ले रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर पिया उसके पास रहेगी तो अच्छा रहेगा। Thank you.
मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। उसका हाथ थामकर उसके पास जाकर बैठ जाइए, वो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकेगा। जाओ पिया, शेखर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। एक बंद मुट्ठी, मुट्ठी में अंगूठी, उस अंगूठी से तुम्हें आजाद किया पिया। चाचू, कैलगरी बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है चाचू। चलता हूं मैं, कानून से ज्यादा इस परिवार को जरूरत है शेखर की। विश्वास नहीं होता मुझे तो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डिमेलो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डिमेलो। देखते दिल खो गया तो प्यार तुमसे हो गया। इस प्यार को कब तक मगर छुपाएंगे हम। देखते दिल खो गया। I'm gonna make it।